इसी तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई डीओ, कोई ब्रांच मैनेजर या कोई अदर पर्सन आपको पिंच करे फिर आपको काम करना है, इसके लिए नहीं करना है। आपको मजा आए ना, इसके लिए आपको काम करना चाहिए। एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट के सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं उनसे पूछता हूं, सर ये आपको इसमें क्या हमको सुधार करना चाहिए, हमारी गलती क्या है। वो सारे नोटिंग्स को जैसे वो हो जाता है, उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं, सर क्या आप अपने ऐसे चार दोस्तों का नाम मुझे दे सकते हैं कि जो जो इस तरह की सर्विस जो मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे मैं उनकी लाइफ को फ्री पूरा सर्विस दे पाऊं सर। और हर साल कम से कम 15 दिन से एक महीना आपको आपकी नेटवर्किंग के लिए काम करना है। जो करोगे तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर, इस साल अचीव कर लिया उसको नेक्स्ट ईयर अचीव करने के लिए आपको कहीं ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं पावर ऑफ नेटवर्किंग के बारे में कुछ दो अलग अलग कंसेप्ट करके मैं आपको बताना चाहता हूं। कि मैं एक्चुअल में बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर होंगे कि उनको एक लाइफ में क्वेश्चन रहता है कि हम एक एमडीआरटी नहीं कर पाते हैं, दो नहीं कर पाते हैं, ये 18 कैसे साल में कर पाते हैं। तो उसका मैं कुछ सक्सेस मंत्र मैं आपको थ्रू नेटवर्किंग के थ्रू दूंगा मैं आपको, कि उसमें नेटवर्किंग का क्या रोल है। उसका बहुत बड़ा नेटवर्किंग में रोल है। जस्ट मेरी कहानी में जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें एक मोर जो आप देखते हो कि मोर अपनी अपनी जो मौसम होता है वो अकेले में बहुत अच्छी तरह से अपने सारे पंख फैला के नाचता है। वो किसी के लिए नहीं नाचता है, वो उसको 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 मजा आता है ना, इसके लिए नाचता है। इसी तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई डीओ, कोई ब्रांच मैनेजर या कोई अदर पर्सन आपको पिंच करे फिर आपको काम करना है, इसके लिए नहीं करना है। आपको मजा आए ना, इसके लिए आपको काम करना चाहिए। जिसे जिसे क्या होगा पता है कि जिस तरह से जो काम करने का आपको मजा आता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो आप कस्टमर के सामने बैठे हो, जो काम करने को आपको मजा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वाइफ जो है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरह से दिखेंगे आपको वहां पे। सेकंडली मैं आपको नेटवर्किंग के बारे में, मैं जो जैसे साल स्टार्ट होता है अपना हर किसी का मार्च में खत्म होता है, मार्च खत्म होने के बाद हम सब लोग क्या करते हैं कि भाई रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर का ये एक प्रॉब्लम रहता है कि वो रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स किस तरह से होता है, बस खास मार्च खत्म हो गया अब थोड़ा वो रिलैक्स हो जाए, जैसे दिसंबर खत्म होता है अब रिलैक्स हो गए। लेकिन दोस्तों आपने कभी सुना होगा भाई विराट कोहली जो अपने लाइफ के जब भी वो पहले स्टार्टिंग आता है तो धीमे धीमे स्टार्टिंग बैटिंग करता है, ऐसे ही वो जब 50 रन आते हैं उसके बाद अगेन 50 से 100 तक जाने के लिए और 100 से 200 जाने के लिए जो समय लगता है ना, वो जो 50 रन बनाने में जो समय लगा है ना, उसके बाद जो उससे 100 पहुंचने में उसका आधा समय हो जाता है और 100 से 200 जाने में उससे आधा समय हो जाता है। इसी तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो आपने मार्च तक अपना एक डेटा कलेक्ट किया, उस पर काम किया, उसके बाद जो नेक्स्ट आपको ऊपर जाना है तो आपको अपनी स्क्रीन छोड़नी नहीं है, क्योंकि तब आपके सारे सिचुएशन विन 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 में आ गए हैं। तो उस समय आप अपनी जो जो चालू रख रहे हो, जो काम कर रहे हो, तो उसको स्टॉप ना करके उसको कंटिन्यू करें, जिससे क्या होगा कि आपके जो कन्वर्सेशन रेशियो है वो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होंगे, जिससे क्या होगा ओवरऑल आपका जो बिजनेस साइकिल है, हाँ रिलैक्सेशन होना चाहिए लेकिन एक जितने आपने क्लाइंट को कॉल किए हैं वो सबका कंप्लीट सेशन हो जाने के बाद आपने 100 को टारगेट किया, 100 आपके कंप्लीट हो गए उसके बाद आपको स्किप करना चाहिए। दूसरा रेफरल अपने इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेफरल। लोग भाई जब तक अब कोई भी कंपनी कहां से चलती है, रॉ मटेरियल से चलती है। हर एक इंडस्ट्री में मेनली मटेरियल है रॉ मटेरियल, कोई भी इंडस्ट्री देख लो उसमें आपको रॉ मटेरियल नहीं होगा। जैसे BITV काम कर रहा है तो उसके पास नंबर ऑफ एडवाइजर नहीं होंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, फॉलोअप करेगा तब काम कर पाएगा। इसी तरह से मैं मेरे दोस्तों मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ एवरी अप्रैल जैसे स्टार्ट होता है मेरा पूरा क्लोजिंग जैसे खत्म होता है अप्रैल के बाद मैं थोड़े समय तक उस पर कंटिन्यू अपने ओल्ड जो क्लाइंट है उस पर रहता हूँ, उसके बाद मैं एक नया प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। मेरे एवरी क्लाइंट्स के पास मैं जाता हूँ, 1-to-1 मैं कम से कम 100 या 200 लोगों को जाके मिलता हूँ कि भाई आपको इस साल
हमारे यहाँ से सर्विस जो मिला है वो कैसा मिला है, उसमें जैसे आपको प्रीमियम डिमांडिंग सर्विस, बर्थडे गिफ्ट, और हमारे यहाँ से कौन रेगुलर आते हैं, हमारे यहाँ से आपको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, इसका पूरा एक रिव्यू, एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है। वो चार्ट के सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ, सर ये आपको इसमें क्या हमको सुधार करना चाहिए, हमारी गलती क्या है, वो सारे नोटिंग्स को जैसे वो हो जाता है। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ, सर क्या आप अपने ऐसे चार दोस्तों का नाम मुझे दे सकते हैं कि जो जो इस तरह की सर्विस जो मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे मैं उनकी लाइफ को फ्री पूरा सर्विस दे पाऊं सर। तो जिससे क्या होता है, 200 नहीं लेकिन कम से कम 100 सवा 100 150 लोग तो ऐसा बोलते हैं, हाँ मेरे पास हैं ऐसे चार दोस्त, तीन दोस्त, जैसे 400 लोगों ने भी मुझे 100 लोगों का नाम दिया, तो 400 लोगों का रेफरेंस हो गया, न्यू लोगों का एडिंग हो गया, इट्स नेटवर्किंग। जो 400 लोगों ने नया, जो मेरे से कहीं कनेक्ट नहीं है, ऐसे 400 लोगों को लिस्ट में मैंने ऐड कर लिया, और नेक्स्ट डे विद इन वीक के अंदर मेरे यहां से उनको मेल कॉल मैसेज एक जाता है कि मुझे आपके इस दोस्त ने अच्छा उनका वर्किंग पूरा करके दिया है, ऐसे मैं आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल अपडेट करने के लिए विद इन वीक आपको मिलने आऊंगा, एक ऐसा मैसेज मेरे यहाँ से छोड़ा जाता है, ऐसे मेल में भी छोड़ा जाता है, और उसमें मेरा प्रोफाइल पूरा दे दिया जाता है उनको कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरह से वर्किंग करता हूँ, और मेरे हैप्पीनेस के क्या पूरे हैं, मेरे जो टेस्टिमोनियल बनाए हुए हैं 2-3 कस्टमर्स के साथ का, वो पूरा उनके साथ शेयर कर दिया जाता है। उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद मेरा उनको कॉल जाता है, हफ्ते के बाद इसके लिए दोस्तों के वो जो भी जो उससे मांगता हूं, मैं 3 या 4 लोगों के ही नाम मांगता हूं, उससे ज्यादा मांगता ही नहीं हूं, क्योंकि 4 लोग कौन से होते हैं जो उनको वीकली एक बार मिलते हैं, डेली एक बार मिलते हैं, ऐसे ही 4 लोग होते हैं, जिससे क्या फर्क पड़ता है, एक वीक तक मैं उनको मैसेज छोड़ता हूं तो वो कस्टमर से बात करता है कि भाई आपको आपने कोई मेरे ऐसे दोस्त को नंबर दिया है, तो बोले हाँ, अच्छा इसके बाद मैं कॉल करता हूं तो वो डेफिनेटली बोलते हैं हाँ मुझे उनका फोन आया था, हाँ मेरी उनसे बात हुई थी, आप मुझे मिलने आ सकते हैं। तो मेरा जो कन्वर्सेशन होता है उनसे मिलने का, मेनली एडवाइजर को दिक्कत यही है कि कस्टमर उसको टाइम ही नहीं देता है, लेकिन जब आपके पास एवरी ईयर 500 to 600 लोग ऐसे ऐड होते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो फिर आपके आपके पास प्रॉब्लम ये नहीं है आपको कहाँ जाना है, आपके पास प्रॉब्लम ये है कि मैं कहाँ कहाँ जाऊं। तो इस तरह से मैं मेरे सेल्स को कन्वर्ट करता हूं। सेकंडली उसके पास, उसके बाद नेटवर्किंग, ये सब उसके बाद का जो है प्रोफाइल, वो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जान सकते हो, समझते हो और उस पर काम करते हो, लेकिन नए लोगों से कैसे टच होना है वो मैंने आपको ये बताया। सेकंडली अपने स्टाफ, मेरी आज की डेट पे 4-5 ऑफिसेज हैं, जो ऑफिसेज में आप अपने क्लाइंट, अपने स्टाफ को अपना सेल्स नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए आप उसका हेल्प ले सकते हो। जैसे मैं मेरे एवरी जो एम्प्लॉय हैं उनको सेल्स के ऊपर एक इंसेंटिव करके करता हूं कि जैसे आप काम करो, एक्सेस ये काम आपको करने हैं, आप अपने कस्टमर्स को थोड़ा कुछ प्रोडक्ट्स का कुछ नॉलेज करो, कुछ कितने ऐसे होते हैं कि जो जो लोग हैं उनको कुछ करना होता है लेकिन वो छोटे इंश्योरेंस के लिए अपने को प्रपोज नहीं करते हैं, तो वो अपनी टीम के थ्रू हो जाए, इसलिए कहाँ कहाँ सेल वो कर सकते हैं, तो वो जो आपको समझती हैं, तो ऐसी बहुत सारा पोर्शन आपका है जो आज किसी ने उनसे 5 लाख का या 10 लाख का पॉलिसी लिया, 1 लाख का लिया, लेकिन आप उसके बाद उनसे अच्छा नेटवर्किंग करके, प्रोफाइल अपडेट करके आप अच्छा उसका वर्किंग कर सकते हैं। सेकंडली दोस्तों मैं खुद का मेरा ऐप लॉन्च किया हुआ है, जो ऐप कस्टमर्स को मैं अभी अभी सारे कस्टमर को मिलकर उसको उसके बारे में अपग्रेड करता हूँ, जिससे क्या होता है कि वो उसको वैल्यू एडिशन, जैसे उसके LIC की पॉलिसीज हैं, प्राइवेट लाइफ की पॉलिसीज हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो FDs हैं, सब कुछ उसमें ऐड करवाता हूँ, जिससे क्या होता है कि वो कस्टमर्स के पास एक मिलने का मौका है। जिसके बाद अभी अभी रिसेंटली मैंने एक मेरा ऐप देने गया, उसके बाद कस्टमर्स ने बोला कि अभी मेरे एक फ्रेंड आए हुए हैं उनसे मुझे मिलाया, और दोस्तों 1 वीक मैंने उन पे वर्किंग किया और 25 लाख का प्रीमियम टेक किया उनसे, क्योंकि जब तक आप कस्टमरों को मिलोगे नहीं तब तक आप उनसे नेटवर्किंग के लिए अच्छा, और हर साल कम से कम 15 दिन से 1 महीना आपको आपकी नेटवर्किंग के लिए काम करना है, जो करोगे तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर, इस साल अचीव कर लिया उसको, नेक्स्ट ईयर अचीव करने के लिए आपको कहीं ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम वो जो 150 150 लोगों का जो नेटवर्किंग किया, उसमें से 600 लोग, 600 का 100 में से 100 का भी आपका काम आ गया, तो 500 आपके लिए बैकलॉग पड़े हैं, और अगेन 100 लोगों का न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए तैयार पड़े हैं, तो उस 100 से अगेन 400, इसी साइकिल को चलाते रहोगे, आपको कहाँ जाना है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा,
आप कहाँ कहाँ जाओ ये प्रॉब्लम रहेगा कि कहाँ पहुंचो। इसके लिए आपको फिर अपनी टीम बढ़ानी ही पड़ेगी, आपको ऐड बढ़ाने, अपने लोग बढ़ाने पड़ेंगे काम करने के लिए आपकी। इस तरह से आप अपना नेटवर्किंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच।